इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब एक और खबर मुंबई से है। पिछले दिनों आए टाउटे तूफान ने मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई थी। इस दौरान अरब सागर में डूबे बार्ज P305 में सवार 51 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बार्ज P305 के इंजीनियर सौरभ जैन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। सौरभ का परिवार आज भी अच्छी खबर की आस में बैठा है। बेटे के इंतजार में मां का रो रो करके बुरा हाल है। पत्नी और छोटी बच्ची भी सौरभ जैन के इंतजार में है। इंडिया टीवी संवाददाता पारस कोठारी ने इंजीनियर सौरभ जैन के परिवार से बात की है। सत्रह मई को बीते हुए 13 दिन हो चुके हैं और साइक्लोन तौके की वजह से बाज P305 के डूबने से जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, जो परिवार सदमे में चले गए, उन्हीं में से एक परिवार आज मेरे साथ है। मैकेनिकल इंजीनियर सौरभ जैन उस दिन बाज P305 पर मौजूद थे और आज तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। उनका परिवार आज भी अपना सौरभ जैन का इंतजार कर रहा है। मेरे साथ उनका पूरा परिवार है, उनके पिता और उनकी माता, उनकी वाइफ। सर ये बताइए कि 13 दिन बीत चुके हैं, अभी तक क्या जानकारी मिली है आपको प्रशासन पुलिस की तरफ से? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक सौरभ जैन के बारे में। उनका DNA टेस्ट भी करवा लिया, वो भी 2 बार फेल हो गया है। बहुत मुश्किल से दिन जा रहे हैं, कि पल हम लोग इंतजार में गुजार रहे हैं कि आ जाए मेरा बेटा, कहीं से भी पता चल जाए। लोग कोस्टगार्ड को भी लगे कि भाई आप लैंड पे सर्च करिए, लैंड पे सर्च करिए, मेरा बेटा वहाँ हो सकता है। मेरे साथ इंजीनियर सौरभ जैन की पत्नी भी हैं, मेघा जी। मेघा जी, आज भी आप प्रशासन से और पुलिस से बात करने गई थी, क्या जानकारी मिली है आपको उनकी तरफ से? जानकारी वही है जो पहले दिन थी, इतने लोग बचा लिए हैं, इतने लोगों की बॉडी मिली है और बॉडी और जो बचा है रेस्क्यू लोग हैं, उस हिसाब से हेड काउंट कंप्लीट हो चुका है। तो वो कुछ उसके अलावा क्या करेंगे, बिकॉज हेड काउंट तो कंप्लीट हो गया है। 13 दिनों से अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई का इंतजार कर रहे ये सभी लोग आज भी इंतजार में हैं कि कब मैकेनिकल इंजीनियर सौरभ जैन अपने घर लौटेंगे, लेकिन आज भी इनका एक इंतजार कायम है। बार बार अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से पूछताछ करने के बाद, बार बार चक्कर काटने के बाद भी इन्हें सिर्फ यही जवाब मिल रहा है कि उनकी जाँच जारी है, तलाश जारी है। DNA सैंपल दिए जा चुके हैं और उन DNA सैंपल्स की जो रिपोर्ट है वो 2 बार नेगेटिव आ चुकी है। जो तीसरा DNA सैंपल है उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इन सब के बीच ये परिवार अब भी क्लोजर के इंतजार में है। कैमरामैन संतोष दिवते के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।